हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, कैसे आप सब। मैं शाकिरा, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम बनाएंगे हरी मूंग की सब्ज़ी, सूखी सब्ज़ी बनाएंगे हम ही। बहुत आसानी से बनती है, बच्चों के टिफ़िन के लिए फटाफट बनकर तैयार होती है। आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करना। हमने इसे बनाने के लिए क्या क्या लिया है देखेंगे। ये 1 पाउचर के करीब हरी मूंग है, जिसे मैंने रात भर भिगो कर रखा था और सुबह उठने के बाद मैंने इसमें से पानी निकाल कर ले लिया है। ये बहुत जल्दी भीग जाते हैं और बहुत अच्छे और हेल्दी होते हैं हमारे लिए, तो इसे ज़रूर एक बार ट्राई करना। इसके लिए मैंने लिया है ये 4 मीडियम साइज़ के प्याज कटे हुए, ये राई है, जीरा है, ये धना पाउडर है और ये हल्दी है। धना पाउडर 1 टेबल स्पून है और ये हरी मिर्ची में बनाएंगे हम। ये लाल मिर्ची पाउडर में भी बहुत टेस्टी बनते हैं, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। हरी मिर्ची और लहसुन लिया है मैंने, ये दरदरा मिक्सर में पीस कर। और ये हरा धनिया है, कोथमीर है, इस तरीके से बारीक काट कर मैंने ली है। हरा धनिया काट कर लेना है हमें, आप ज़रूर ट्राई करना इसे। चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। हम इसे कुकर में बनाएंगे और एकदम झटपट बनाएंगे। ये 1-2 से 3 सीटी में बनकर तैयार हो जाते हैं। अब हम गैस का फ्लेम ऑन करेंगे। ये मैंने कुकर रखा है। अब हम इसमें 4 से 5 टेबल स्पून के करीब तेल डालेंगे। ये देखिएगा, मैंने 3-4 टेबल स्पून के करीब तेल डाला है। कुकर अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम तेल को भी अच्छे से गर्म करेंगे, 4 से 5 टेबल स्पून के करीब तेल है ये। ये देखिएगा, तेल को भी अच्छे से गर्म करेंगे हम। फुल फ्लेम पे रखा है मैंने गैस की फ्लेम, पहले तो हमें फुल ही रखनी है। अब हम इसमें राई डालेंगे, मोरी राई डालेंगे। राई अच्छे से फूल जाएगी, तड़ तड़ जाएगी अच्छे तरीके से। तो अब हम इसमें ज़ीरा डालेंगे। ये देखिएगा, ज़ीरा भी अच्छे से फूल गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ता ताज़ा और प्याज डाल देंगे। ये देखिएगा, कड़ी पत्ता और प्याज डालेंगे, इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। थोड़ा लाल होने तक फ्राई करना है, ज़्यादा कच्चा नहीं रखना है और ज़्यादा लाल भी नहीं करना है। मीडियम इसे हम थोड़ा सा लाल होने देंगे, कलर चेंज होने देंगे। देखिएगा, इसे अच्छे से हमें चारों तरफ से ऐसे फ्राई करना है। ये देखिएगा, अच्छे तरीके से हिला हिला कर हमें इसे फ्राई करना है, थोड़ा सा मीडियम लाल। ये देखिएगा, देखिएगा इसे अच्छे तरीके से हमें फ्राई करना है। अब हम इसमें हरी मिर्च और लहसुन का दरदरा कुटा हुआ पेस्ट डाल देंगे अभी हम इसमें। ये देखिएगा, अच्छे से अब हम इसे इसमें तलेंगे। हरी मिर्च और लहसुन का दरदरा कुटा हुआ पेस्ट, इसे अच्छे से फ्राई करेंगे अब हम। ये देखिएगा, अच्छे से फ्राई होने देंगे अब हम इसे। फ्राई हो गया है, चारों तरफ से इसे तेल छूट गया है। अब हम इसमें हरा धनिया पाउडर और हल्दी दोनों मिक्स करेंगे, इसे अच्छे से फ्राई होने देंगे। देखिए, तेल छूट गया अभी इसको, इसमें हम हल्दी और धना पाउडर, ये दोनों चीज़ें हम इसमें मिक्स करेंगे। ये देखिएगा, अच्छे से हम इसमें मिक्स करेंगे। अब इसे भी थोड़ा 1-2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे इन सब चीज़ों के साथ, अच्छे से फ्राई करना है। ये देखिएगा, गैस का फ्लेम मेरा गलती से फुल रह गया था, आपको गैस का फ्लेम इस टाइम पे लो करना है, नहीं तो ये लग जाएगा। अब हम इसमें वो पूरा हरी मूंग दाल देंगे जो हमने भिगो कर रखी थी, डाल देंगे पूरी हम हरी मूंग इसमें।
और इसे अच्छे से हिलाएंगे। हरी मूंग को पूरा मिक्स करेंगे मसाले में, पूरे तरीके से अच्छे से चारों तरफ से मिक्स करेंगे। इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, जितना टेस्ट है वो हिसाब से आप डाल दीजिएगा नमक। देखिएगा, अब नमक डालकर इसको वापस से हम सब तरफ से इसमें मिक्स कर देंगे नमक को। अब हम इसे मिक्स करके इसमें हम थोड़ा सा आधा प्याला पानी भी डालेंगे। ये छोटा है, आधा प्याला इतना भर के हम इसमें पानी डालेंगे। अब हम इसे पूरा हिलाएंगे चारों तरफ से और अच्छे से हिलाकर मिक्स करेंगे पानी के साथ इसे। ज़्यादा पानी आपको, अगर थोड़ा और इसमें पानी चाहिए तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब थोड़े सा हरा धनिया डालेंगे हम इसमें। देखिएगा, हरा धनिया डालकर वापस हरे धनिया को हम इसमें सारा मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे हरा धनिया। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत टेस्टी बनती है, एक बार ज़रूर ट्राई करना। हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है हरा मूंग। अब हम इसे ढक्कन ढककर 3 सीटी लगा लेंगे। अभी हम इसका ढक्कन लगा देंगे, इसे लगा कर 3 सीटी लगा लेंगे। ये देखिएगा, 3 सीटी हो गई है। अब मैं इसे खोलकर आपको बताती हूँ। ये देखिएगा, बहुत मस्त बनती है ये, बहुत टेस्टी बनती है और बहुत झटपट बनाकर तैयार होती है। बच्चों के टिफिन के लिए बहुत आसानी से बन जाती है और हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। एकदम सूखी है ये। मैं अभी इसको आपको निकाल कर दिखाती हूँ डिश में। ये देखिएगा, अगर रेसिपी पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।